me. मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, अल्लाह ताला शानों का बेपनाह फजल करम उसका एहसान है कि हम तमाम को उस दीन की बात कहने और सुनने के लिए जमा फरमाया। दोस्तों बुजुर्गों, कुरान करीम की जो आयत करीमा तिलावत की गई है, अल्लाह ताला ने बहुत साफ लफ्जों में, बहुत साफ तौर पर, बल्कि ये ऐलान फरमाया है और इस बात को उम्मत को बताया है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई है। और मेराज कहाँ से कहाँ हुई, कहाँ से कहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, किस मकाम पर थे, किस जगह पर थे और वहाँ से कहाँ गए, फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ का सफ़र फरमाया, ये सारा वाकया जो है 15वें पारे के पहली आयत के अंदर ही आपको मिल जाएगा। सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, के मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा अव्वलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, उसके बाद मस्जिद अक्सा से सातों आसमान का सफ़र फरमाया। तो मुतबर्रक जगह और मुकद्दस मकाम और शाइर ईमान में से, शाइर इस्लाम में से, कि इस्लाम की अहम तरीन निशानियाँ जो हैं उन निशानियों में से एक मस्जिद अक्सा भी आती है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह पर यूँ फरमाया कि अगर कोई शख्स हरम शरीफ के अंदर, यानी मस्जिद हराम बेतुल्ला शरीफ का जो इहाता वो मस्जिद हराम है, उस मस्जिद हराम में अगर कोई दो रकात नमाज पढ़ता है तो उसको 1,00,000 नमाजों के बराबर सवाब मिलेगा। और अगर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में अगर नमाज पढ़ता है, मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ता है, उसे 50,000 नमाजों के बराबर सवाब मिलेगा। और अगर कोई शख्स मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ता है, उसे 25,000 नमाजों के बराबर सवाब मिलेगा। इस तरीके से आधे आधे होते होते जो है मस्जिद अक्सा तक ये बात पहुँचती है कि तीन मस्जिदें मुकद्दस मकामात में से हैं, ईमान वालों की अहम अलामात में से हैं, ईमान वालों की अहम निशानियों में से हैं। और ये तीनों मस्जिदें इस जगह पर ही फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला तशुद्दुर रिहाल इल्ला इला थलाथति मसाजिदा, कि तीन मस्जिदों के अलावा किसी और जगह पर हम सफ़र नहीं कर सकते हैं। सफ़र के लिए जो कजावा बांधा जाता है और जो सामान्य सफ़र तैयार किया जाता है, यूँ कहा तीन मस्जिदों के अलावा सही नहीं है किसी और जगह पर हम सफ़र करें। यह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा, इन तीनों मसाजिद की अहमियत का और उसके फजाइल का जिक्र फरमाया है। ये तीनों मस्जिदें इतनी अहमियत रखती हैं और इतने फजाइल के हामिल हैं कि अगर कोई शख्स बजाते खुद सिर्फ और सिर्फ इन मस्जिदों की खातिर अगर वो सफ़र करे तो उसका ये सफ़र करना सही है। वरना ऐसा आमतौर पर होता है, हम जाते हैं किसी और काम के लिए और रास्ते में ये मस्जिद पड़ गई, हाँ चलो फला जगह पर हम नमाज पढ़ लें, तुर्की जा रहे हैं, चलो आया सोफिया मस्जिद के अंदर हमने मस्जिद नमाज पढ़ ली। बड़ी अहम तरीन अलामात में से कि ईमान वालों ने, लोगों ने इसे पता किया था। इसी तरीके से और बेशुमार मस्जिदें, बगदाद गए हैं वहाँ बड़ी बड़ी मस्जिदें आपको दिखेंगी, और अगर इसी तरीके से आप दमिश्क जाएंगे,
दमिश्क में आपको बड़ी बड़ी मस्जिदें दिखेंगी जो ईमान वालों की एक तरीके से अब अलामतों के अंदर से है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स स्पेन जाता है, स्पेन में मस्जिद कुर्दबा है, मस्जिद कुर्दबा उस वक्त के हाकिम ने बनवाया था और बहुत बड़ी मस्जिद और आलिशान मस्जिद है, और ये लेकिन ये कि इन मस्जिदों की खातिर अगर हम सफर करें तो ये सही नहीं है, बल्कि ये कि इन वहां हम जा रहे हैं और इसी तरीके से वहां हमने जो किसी तरीके से सफर किया है, तो अब हर ईमान वाला इस बात को चाहेगा कि किसी भी तरीके से मस्जिद कुर्दबा के अंदर दो रकात नमाज पढ़ लूं, या इसी तरीके से वो दमिश्क किसी काम से गया है तो वहां में किसी भी तरीके से वहां की आलिशान मस्जिद है, वहां कोई तारीखी मस्जिद है, वहां की तारीखी मस्जिद के अंदर मैं दो रकात नमाज पढ़ लूं। इसी तरह कोई शख्स दिल्ली गया है तो क्या कोई शख्स दिल्ली की जामा मस्जिद में दो रकात नमाज पढ़ना सही नहीं समझेगा? नहीं नहीं, वो दो रकात नमाज पढ़ना जरूर समझेगा। वो चाहेगा कि हमारे पिछले लोगों ने किस तरीके से किस आलीशान मस्जिद जो है बनाई है और कितनी तारीखी मस्जिद बनाई है और जामा मस्जिद बनाई है, इसके अंदर मैं भी अपना हिस्सा लगाऊं और मैं भी जो है वहां जाकर के दो रकात नमाज पढ़ूं। ये जो है ईमान वाले को अंदर से इस बात की खुशी होती है कि हमारे पहले लोगों ने ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी है जो तारीख कभी भी भुला नहीं सकती है, जो तारीख इसे कभी फरामोश नहीं कर सकती है। लेकिन दोस्तों को वही बात ये भी है कि जहां ये सारी तारीखी मकामात हैं, इन तारीखी मकामात को देख करके दिल में जब खुशी महसूस होती है, वही ये बात हमारे लिए इबरत का मकाम भी है कि आज ये सारी चीजें इसमें क्यों सन्नाटा नजर आता है, कि इसमें ऐसी चीजें ऐसी क्या हो गई है कि जिसका भुगतान हमें भुगतना पड़ रहा है और जिसका जो अंजाम हमें भुगतना पड़ रहा है, ऐसी क्या गलतियां हुई है, ऐसा क्या मामला हुआ है, इस बात को भी तारीख कभी भुला नहीं सकती है और इसे भी कभी तारीख जो है फरामोश नहीं करेगी। क्या हुआ? ऐसा हुआ है कभी भी ईमान वाले लोगों के ऊपर या ईमान वालों के ऊपर कोई जुल्म हुआ है, कोई फसाद हुआ है या कोई भी मामला हुआ है, वो किसी गैर की वजह से नहीं हुआ है, किसी और लोगों की वजह से नहीं हुआ, या हमारी अपनी गलतियों की वजह से हुआ है कि हमारा रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमजोर पड़ा है, जिसकी वजह से हमारे वो बड़े हो या इसी तरीके से हमारे अदना दर्जे के लोग हो कहीं ना कहीं गैरों के सुर में सुर मिलाने लगे और उसकी वजह से इन्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नहीं रहा और अपने उन तमाम चीजों का सौदा कर बैठे जिसकी हमारी आने वाली नस्ल जो इसका अंजाम भुगत रही है, हमारे ऊपर जो है हमारी तबाही गैर नहीं लाए, हमारी तबाही यहूदी नहीं लाए, हमारी तबाही ईसाई नहीं लाए, हमारी तबाही गैर नहीं लाए, हमारी तबाही दोस्तों का खुद लाए। कुरान करीम का फरमान है ज़हर अल फसाद फिल बर वल बहरी बिमा कसबत अयदी नास, के बहर और बर के अंदर जो फसाद बरपा हुआ है, जमीन के अंदर हो या समंदर के अंदर हो, जो भी फसाद बरपा हुआ है ये ईमान वालों के अमाल की वजह से है। ईमान वाले लोगों ने जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नहीं रखा है, रब्बे जल जलाल का खौफ उनके दिलों के अंदर नहीं रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर नहीं रही, उस बात का जैसा जिंदगी गुजारने का हक था इस तौर पर जिंदगियों को नहीं गुजार रहे, जिसकी बुनियाद पर क्या हुआ आज वो लोग भी अमल में नहीं है और सारी दुनिया इन लोगों की वजह से आज अमल के अंदर नहीं है। चैन सुकून जिंदगी के अंदर चाहते हैं और अपने जिंदगी के अंदर अमन अमान चाहते हैं, दुनिया के अंदर अमन अमान चाहते हैं, रब्बे जुल जलाल का साफ तौर पर फरमान है वअल्लाहु लदीन आमनु वअमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ध कमा स्तखलफल लदीन मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह ताला का वादा है ईमान वालों के साथ और नेक अमाल करने वालों के साथ कि हम तुम्हें जमीन में खिलाफत देंगे, जमीन की खिलाफत तुम्हें सुपुर्द फरमा देंगे, जमीन की हुक्मरानी तुम्हें सुपुर्द फरमा देंगे, लेकिन शर्त यह है ईमान वाला अपने ईमान पर बाकी रहे, उसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रहे और इस बात की पासदारी वो करता रहे, नेक अमाल वो इज्तिमाई तौर पर लोग करते रहे, वरना दोस्तों फिर क्या होगा, इज्तिमाई तौर पर जब नाफरमानियां होंगी तो उम्मत उसकी उसका अंजाम जो है इज्तिमाई तौर पर उसे भुगतना पड़ेगा, फिर ये नहीं देखा जाएगा कौन नेक है कौन नेक नहीं है। जब रब्बे जुल जलाल का अजाब आता है उस अजाब के अंदर हर शख्स गिरफ्तार होता है।
हमारा मामला यह है जब तक परेशानी मुसीबतें हमारे अपने दरवाजे पर दस्तक नहीं देती है तब तक दोस्तों हमें समझ में नहीं आता हम ये समझते हैं मैं अपने घर के लिए पैदा हुआ हूँ, मेरा घर, मेरा कुंबा, मेरा कबीला, मेरे अपने बच्चे, मेरे अपने बीवी बच्चे और मेरे अपने माँ बाप, जब तक ये सब सही है, मेरा कारोबार सही है, सब सही है। हकीकत में दोस्तों ऐसा नहीं है। ईमान वाला अपने अमाल की जो है पासदारी करता रहे, अपने अमाल के ऊपर जो है नजर रखता रहे, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी औलादों के ऊपर वो नजर रखता रहे और इसी तरीके से दुनिया के हालात के ऊपर वो नजर रखता रहे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी नहीं मालूम, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी को पढ़ेंगे अपने आप के ऊपर, अपनी औलादों के ऊपर, तमाम सहाबा का ख्याल रखते हुए जहां जहां तक हुक्मरानी मिली है वहां वहां के लोगों तक का ख्याल रखना हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का अपना जो अव्वलीन फरीजा था। और इतना ही नहीं कि मेरे जमाने में अगर सही है तो आने वाला जमाना भी सही होगा, बल्कि आने वाले जमाने के लोगों को ये ना कह सके कि अपना सिर्फ ख्याल रखा है, अपने लोगों का ख्याल रखा, हमारा ख्याल नहीं रखा। ये हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की फितरत में नहीं था, बल्कि आने वाले 100 साल, आने वाली नस्लें, फिर उनके बाद वाली नस्लें, उनके बाद वाली नस्लें, वहां तक के लोगों का ख्याल रखा है कि आज अगर हमारी नस्ल ये काम कर रही है, कल को उनकी नस्लें जब आएंगी उनका ईमान पर बाकी रहना किस तरह का होगा। इस बात पर दूसरे उमर रजी अल्लाह अन्हु खास तौर पर जिक्र कर रही थी। जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी क्या थी, मदनी जिंदगी क्या थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी जिंदगी क्या थी, ये किस तरीके से मदीना मुनव्वरा की जो तामीर हुई है, मस्जिद कुबा की तामीर हुई है, इस तरीके से जहां जहां मस्जिदों की तामीर हुई है और इसी तरीके से मुस्लिम हुक्मरानी कहां कहां तक बढ़ी है और उसके बाद उसकी हिफाजत, उसका ख्याल किस तरीके से रखना है, इस बात को भी ख्याल रखा है। ये तो गलती हमारी है कि हमने इस बात हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा नहीं, अपनी जिंदगी के लोगों को, अपने यहाँ मशहूर लोगों को पढ़ा है, उनके बारे में जाना है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, यहाँ तक कि अखबारों में आता। दोस्तों एक ईमान वाला अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बेखबर होकर के जिंदगी गुजार रहा है, इससे बढ़ करके और क्या जुर्म हो सकता है। उसने अपने आने वाली नस्लों के लिए कोई ऐसी चीज को तैयार नहीं किया कि जिसके बाद उससे आने वाली नस्लें उसे बुरा भला न कहें, उसे यूं न कहें हमारे बाप दादा लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईमान वाला अपने आने वाली जिंदगी को ख्याल रखता है कि मैं आज अगर आराम से अजान हो रही मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ रहा हूँ, क्या हमारे आने वाली नस्लें भी इसी तरीके से आसानी के साथ जिंदगी गुजार सकती है, नहीं गुजार सकती, उनका ईमान पर बाकी रहना आसान होगा या नहीं होगा। बहुत सारे उलमा हैं आज ये फलस्तीन वाले जो कुर्बानियां दे रहे हैं, एक मुल्क है वो किसी जमाने में एक मुल्क था 1943 के अंदर, तकरीबन 100 साल होने वाले हैं कुछ सालों में, 1943 के अंदर ये छोटी सी कौम जो है फलस्तीन में आए थे कि हमको मेहमान समझो, हमको अपना समझो, हम जो है सताए हुए हम ऐसे इस तरीके से परेशान हैं, हम ऐसे परेशान हैं, हमें जगा दो। आज क्या हुआ, वही जिन लोगों को जगा दी गई थी आज वो सारे मुल्क पर हावी है। दोस्तों यही हाल सिर्फ हमारा है। 1947 के अंदर, 1947 के पहले की जिंदगी को हम देखेंगे, हमारे अपने मुल्क की तारीख हम पढ़े कि हमारे बाप दादा लोगों ने और हमारे उलमाए किराम रहमतुल्लाह अलैह ने और इसी तरीके से बेशुमार लोग, आप मेरठ जाए, दिल्ली जाए और इसी तरीके से देवबंद मुरादाबाद इस तरफ का सफर करें, बेशुमार ऐसे उलमा लोग हैं, ऐसे लोग मिलेंगे जिनके बाप दादा लोगों ने इस आजादी के अंदर अपना हिस्सा दिया है, अपनी कुर्बानियां दी हैं और अपनी जो है शहादतें दी हैं। बेशुमार शहादतों के बाद हमारा मुल्क आजाद हुआ है और किस लिए, इसलिए कि अगर वो लोग भी चाहते हैं शहादतें नहीं देते, अपने आप को शहीद नहीं कराते, लेकिन यह है अपनी मिट्टी से मोहब्बत और वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हदीस पाक में आता है हुब्बुल वतन मिनल ईमान, के अपने वतन से मोहब्बत करना यह ईमान का हिस्सा है।
कि जिस मुल्क में पैदा हुए हो, जिस मुल्क में रहते हो, उससे मोहब्बत जो हमारा ईमानी हिस्सा है, वो हमारे अपने हिस्से के अंदर होना चाहिए, हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, ताकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम हम जो है सही तौर पर अमल कर सकें और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर सकें। आखिर कोई तो मसला था जिसकी वजह से हमारे उलमाए किराम ने जिससे इतनी सारी दिल शहादतें दी। और हमारा मसला ये है कि अब उस जिम्मेदारी है कि वो जो कुर्बानियाँ थी, वो जो शहादतें थी, उन शहादतों को रायगा नहीं जाने देना है इस तौर पर कि अपने आप को संभाले और अपनी सारी उम्मत को संभाले, सारे कौम को संभाले। आप लोग भी तो घर चलाते हैं, घर चलाने में ऐसा होता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रोजाना की खरीदी वाली चीजें होती है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो रोजाना खरीदी जाती है, कुछ चीजें ऐसी होती जो हफ्ते में खरीदी जाती है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो महीने में खरीदी जाती है, और इसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी हैं जो साल में खरीदी जाती है। दोस्तों, वो ईमान वालों के मसाइल कुछ जुजी तौर पर है, अपने अपने मसले हैं लोगों के, और इसी तरीके से कुछ मसाइल ऐसे हैं जो इज्तिमाही तौर पर है, हम सबका इज्तिमाही मसला है। इस बात को समझे, हम अपने मफाद के खातिर, हमारे अपने छोटे छोटे मसलों के खातिर, कौम के मफाद को, कौम के जो आसानियों को और उनके जो कौम का जो इज्तिमाई मसला है, उन मसलों को बाराए ताक रख करके कौम का सौदा न करें, वरना फिर क्या होगा, उसका अंजाम सारी कौम भुगतेगी, आने वाली नस्ल हमें बुरा भला कहेगी, मेरा अपना नुकसान होता है मैं उसको सह लूंगा, मेरा अपनी कोई परेशानी है लेकिन उस परेशानी का हल अगर कौम के किसी मसले के ऊपर आ रही है, मैं परेशान रह लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन कौम के ऊपर ये बात नहीं आनी चाहिए, कल को हमारी कौम खड़े होकर के हमें बुरा भला ना कहे कि हमारे आने वक्त पिछले वाली नस्लों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमारी नस्लें जो है इस बात की इसको समझे कि हमारे पिछले लोगों ने हमारी भी कुर्बानियाँ की हैं, और उस कुर्बानियाँ ये हैं कि हम भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पासदार रह रहे हैं, हम भी अपनी जिंदगी के जरिए से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने वाले बने। हदीस पाक के अंदर आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु एक मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और सहाबी से खिताब फरमा रहे थे, ऐसा हज़रत अबू हुरैरा फरमा रहे, हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाए, मैं मजलिस में बैठा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दूसरे सहाबी को ये फरमा रहे थे कि तू देखेगा एक जमाना ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा कि सारे ईमान वाले लोगों के अलावा, ईमान वाले लोगों के अलावा, चाहे वो कोई भी हो, ईमान वाले लोगों के अलावा, ईमान वाले लोगों के खिलाफ सारे लोग एक दूसरे को इस तरह से दावत देते होंगे जिस तरीके से लोग दस्तरखान पर दावत देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाए कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और सहाबी को ये फरमा रहे थे कि तू देखेगा एक जमाना ऐसा आएगा कि ईमान वाले लोगों के अलावा, जो ईमान वाले हैं वो नहीं, ईमान वाले लोगों के अलावा तमाम लोग एक दूसरे को इस तरीके से ईमान वाले लोगों के खिलाफ दावत दे रहे होंगे जिस तरीके से हम लोग दस्तरखान पर एक दूसरे को दावत देते हैं। एक जगह पर अलकुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, सारा कुफ्र एक है, सारा कुफ्र एक है, लेकिन कोई एक नहीं है, तो ईमान वाला अपने आप को नहीं समझ रहा है, ईमान वाला अपने कौम के मफाद को नहीं समझ रहा है, मेरी मिल्लत का क्या होगा, मेरी कौम का क्या होगा। आज अगर हम लोग आसानी के साथ मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं, इन मसाजिद की हिफाजत, अपने कौम की हिफाजत, अपनी औलादों की हिफाजत, ऐसा क्या मामला हम लोग करें जिसकी वजह से हमारे आने वाली नस्लें भी, हमारे आने वाली नस्लें भी इसी तरीके से अपनी नमाजों को अदा करते रहें, अपने रोज़े अदा करते रहें, कुरान करीम की तिलावत करते रहें और इसी तरीके से हलाल कमाइयों के अंदर रहें, सही खाएं और अपनी ज़िंदगी के ज़रिए से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करते रहें। तारीख के औराक को पढ़ना हर ईमान वाले की जिम्मेदारी है। स्पेन की तारीख को पढ़ें, बड़ा मुल्क है, एक वक्त वो था उसका नाम अंदलुस था,
वो किसी जमाने में उंगलुस हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ, अपनी औलादों की फिक्र नहीं की, अपने लोगों की फिक्र नहीं की। दुनिया जहान से लोग उनके यहाँ इल्म हासिल करने के लिए आया करते थे। यही मस्जिद कुतुबा एक वक्त में उसका बड़ा मकाम जो है समझा जाता था। दुनिया भर से लोग मस्जिद कुतुबा की ज़ियारत करने के लिए जाया करते थे, वहां जो नमाजें पढ़ा करने के लिए जाया करते थे। आज क्या हुआ, उसी मस्जिद कुतुबा में दो रकात नमाज नहीं पढ़ सकते। ईमान वाले लोग नहीं रहे वहां, इस तरह का माहौल नहीं रहा। ईमान वालों के खिलाफ सारा मामला हो गया, यहाँ तक कि उस मुल्क का नाम तक तब्दील हो गया। ये क्या हुआ, कौम के मफाद को नहीं समझा गया, और इसी तरीके से अपनी औलादों को दीन नहीं सिखाया, अपनी औलादों को चीजें नहीं दी गई कि हम जिस तरीके से आज ईमान पर हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ रहे, वो हमारी औलादों औलादे भी इस बात को समझे, और इस बात को अपने घर के अंदर भी खास तौर पर ख्याल रखना है। हमारी औलादें कहाँ पढ़ने जा रही है, वहां उन्हें क्या चीज सिखाया जा रहा है, किस बात का कल्चर उन्हें समझाया जा रहा है, किस कल्चर के अंदर उन्हें ढाला जा रहा है। दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि वो जब यही कहा कि जब तक कोई मुसीबत कोई परेशानी हमारे अपने दरवाजे पर दस्तक नहीं देती तब तक हमें समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं है। ईमान वाला दूर की निगाह से देखता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी को पढ़ेंगे तब मालूम होगा कि आने वाली नस्लों का आने वाले 100 साल की खबर रखना कि आज अगर हमारी नस्ल ये कर रही है तो उनकी नस्लें फिर क्या करेंगी, उनकी नस्लें उनके बाद आने वाली नस्लें क्या करेंगी। एक छोटा सा वाकया सुनाओ, कैनेडा के अंदर जैसे मुसलमान लोग जाते हैं, नमाजों के पाबंद हैं, रोजों के पाबंद हैं, इसी तरीके से वहां भी जा रहे हैं, वहां भी अपनी नमाजों के पाबंद है, जो भी नौकरी कर रहे हैं, जिस तरह का भी काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे अपने मुल्क के अंदर और नमाजों के पाबंद हैं, रोजों के पाबंद हैं, पूरा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो लोग ख्याल रख रहे हैं, तो इसी तरीके कोई शख्स यहाँ से वहां गया होगा तो अपनी नमाजों के पाबंद है, वो पूरे तौर पर जो है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास तौर पर वो ख्याल रख रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ, कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, उनसे किसी ने कहा, आप लोग हमारे टारगेट नहीं हैं, आप हमारे टारगेट नहीं हैं, आपके आने वाली नस्ल, फिर उसके बाद वाली नस्ल, आपकी तीसरी नस्ल हमारी टारगेट है। आप बिल्कुल सही तरीके से जिस तरीके से आप अपनी नमाजों को पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला का खौफ आपके दिलों के अंदर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिल के अंदर है, हम कभी भी इसे निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन आपकी नस्ल, आपकी औलादें, फिर उसके बाद जो औलादें आपके पैदा होंगी वो तो यहीं की होगी। वो लोग जिस तरीके से आपके दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो आपके दिल के अंदर है, वो आपकी तीसरी नस्ल के अंदर नहीं होगी। तो ये होता है कि अपने आने वाली नस्लों का ख्याल रखना कि मेरा अपना मसला यहाँ पर सही हो रहा है, मैं किसी भी जगह पर हूँ, अगर मेरा मसला सही है तो सब सही नहीं है। अपनी औलादों का ख्याल रखना, अपनी औलादों के ऊपर खास तौर पर रहम करना, और उन पर रहम ये नहीं है उनकी खुशी की चीज़ों को तैयार करा के दे दो, अरे ऐसा नहीं है, बल्कि एक छोटा सा दरख्त है, उस दरख्त को, उसकी टहनियों को, उसको जिस तरफ हम फेरना चाहेंगे फेर देंगे, जिस तरह से हम जो उसे उगाना चाहेंगे उगाएंगे, लेकिन कल को जब ये बड़ा हो गया है दरख्त, अब उसे हम नहीं चाहें इसकी टहनी को यहाँ से घुमाकर यहाँ लेकर के आए, दुनिया की कौन सी ताकत इस टहनी को घुमा दे, ऐसा नहीं होता है, बल्कि उनको इसी बचपन के अंदर इस तरह की आदतें डाली है, उनके दिलों के अंदर रब्बे जलाल का खौफ जो उतारना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें इनके दिलों के अंदर लाना है, ताकि इस बात को समझे कि मेरी कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर है। इसी तरीके से बड़ा मुल्क है तुर्कमानिस्तान, रशिया के अंदर बेशुमार मालिक है, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कुरान करीम के बाद कोई बड़ी किताब है हदीस मुबारक के अंदर, वो है बुखारी शरीफ, उसे किसने लिखा, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है। वो कहाँ के रहने वाले थे, तुर्कमानिस्तान के रहने वाले थे, अरबी नहीं थे, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अरबी नहीं है, लेकिन उन्होंने अरबी को सीखा, हदीस के इल्म को सीखा, बगदाद गए और इसी तरीके से जहाँ जहाँ ऐसा था इल्म का सफ़र किया, यही समरकंद और बुखारा, यह समरकंद और बुखारा तुर्कमानिस्तान के अंदर है। समरकंद और बुखारा एक वक्त में इल्म का बड़ा मरकज़ था,
और दुनिया जहान से लोग इल्म हासिल करने के लिए जाया करते थे रशिया। लेकिन क्या हुआ, यही बात वहाँ पर भी हुई कि अपने लोगों का ख्याल नहीं रखा, अपनी औलादों का ख्याल नहीं रखा, अपनी नस्लों का ख्याल नहीं रखा, अपनी नस्लों पर रहम नहीं किया, और उन्हें वही सारे कल्चर, वही सारे तहजीब व तमद्दुन जो उन्हें अच्छे लगते थे, जो बाहर से आते थे, वही तहजीब व तमद्दुन के हमारे औलादों को तकलीफ होगी, हमारे बच्चे जो है रोएंगे, उन्हें जिस चीज़ में मज़ा आता है आने दो, कल को अपनी इसी आदतों के अंदर जब बड़े हो गए, पुख्ता हो गए और माँ बाप की आवाज़ में आवाज़ मिलाने लगे, अब माँ बाप ने उनके जो है कुछ नहीं कर सकते, माँ बाप उन्हें समझाना चाहते हैं नहीं समझा सकते। तो ऐसा ना हो, बल्कि दोस्तों तारीख कभी भी हम ईमान वाले लोगों के लिए ज़रूरी हम तारीख को पढ़ें। बगदाद में ऐसा हुआ था, खलीफा मुअज़्ज़ज़ बिल्लाह एक बड़ा खलीफा गुजरा है, ईमान वाले लोगों की हुकूमत थी और बड़े पढ़े लिखे लोग वहाँ पर थे और जगह जगह पर इल्मी जो है मुबाहसे हुआ करते थे। इल्मी मुबाहसे का मतलब इल्मी बहस हुआ करती थी, इल्मी डिबेट हुआ करती थी। एक जगह पर यह बहस हो रही थी कि बताओ एक सुई की नोक पर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं, और दूसरी जगह पर यह बहस हो रही थी कि बताओ कौवा खाना हलाल है या हराम है, इस तरह की। और मालूम है कि अभी हम सब के सब खतरे के अंदर हैं, यकायक ऐसा हुआ कि वो हलाकू खान की सारी फौज, सारा लश्कर इस तरीके से जो शिकस्त देता हुआ बगदाद में घुसा है, तो जो लोग इस तरह की बहस कर रहे थे वो सब के सब जो है चील के हुए उनके गोश्तों को खा रहे हैं, उनका कोई मुसार हाल नहीं। मुअज़्ज़ज़ बिल्लाह को उसने गिरफ्तार किया, उसने कहा कि लोग वो सोना जो था, सोना चांदी, वो सब के सब एक तश्तरी में रख करके पेश कर लो खाओ। उसने कहा मैं कैसे खा सकता हूँ। मुअज़्ज़ज़ बिल्लाह ने कहा मैं इसको नहीं खा सकता। तो हलाकू खान का जो शख्स था उसने कहा इसे जमा क्यों किया था, अगर तुम्हारे कुरान करीम में ऐसा लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी हलाकत का सबब है, माल जमा करना तुम्हारी हलाकत का सबब है, फिर तुमने इसे क्यों जमा किया। तो कहता है तो रब्बुल जलाल की मर्ज़ी थी। तो उसने कहा अब मैं तेरे साथ जो करूँगा वो भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी, और इस घोड़ों के टापुओं के नीचे रोन करके उसे मारा है। दूसरों इस तारीख को हमें पढ़ना चाहिए, हम सलाहुद्दीन अयूबी की तारीख को पढ़ें कि अपना ईमान किस तरीके से ईमान वाले सारे लोग ईमान की फिजाओं में और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में ज़िंदगी गुजारे। एक ईमान वाला अपनी मफाद की खातिर कौम के मफाद को जो है सोलह न करे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ उसके दिलों के अंदर रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिलों के अंदर रहे, अपनी नस्लों का वह ख्याल रखे किस जगह पढ़ने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, किस तरह का कल्चर वो लोग ले रहे हैं, किस तरह के कल्चर में वो लोग कल बढ़ रहे हैं, कौन से कल्चर में वो लोग बड़े हो रहे हैं। अगर आज हमने इनको खुशी के साथ जाने दिया, कल को आने के बाद आने वाली नस्लें जब ये बड़े होंगे उन्हीं आदतों के अंदर वो लोग बड़े होंगे, उसी आदतों के अंदर वो बड़े होंगे, फिर वो चीज़ें उनके लिए बुरी नहीं होंगी, बल्कि वो तो समझे कि बचपन में यही सारी चीज़ें किया करते थे। और एक वक्त वो आएगा जब क्या, वो आज वही उन्हीं सारे मुल्कों के मुल्कों के नाम बताएं, जब वो लोग ईमान वाले लोगों को जब देखते हैं इस तरीके से सुन्नत लिबास के अंदर, जब वो लोग देखते हैं तो कहते हैं ये हमारे पिछले लोगों की कहानियां हैं, ये हजरत सहाबा के लोग जिस तरीके से आ गए, या हमने हमारे बाप दादाओं को इस तौर पर देखा था, अब इस तरह के लोग यहाँ देख लो, यानी एक तरीके से किस्सा गुजर जाएगा, ये पिछले लोगों का किस्सा कहानी होकर के रह जाएगा। अरे ऐसा ना हो, बल्कि हमारे जिस तरीके से हम लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासदारी कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल को खुश करना, रब्बुल जलाल की रजामंदी हमारी ज़िंदगी की जो है मंजिल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी हमारी ज़िंदगी की मंजिल है, हमारे आने वाली नस्लें भी इस बात को समझें कि हमारी ज़िंदगी की कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी है, इस बात का यकीन उनके दिलों के अंदर रहे कि जब भी उनके सामने कोई परेशानी आए रब्बुल जलाल के सामने हाथ उठा रहे, अल्लाह ताला उन्हें खाली हाथ वापस नहीं लौटाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए ये है कि हम भी जिस तरीके से अपने तौर पर ज़िंदगी गुजारें, अपनी कौम का, उन सारे लोगों का ख्याल रखना, इसी तरीके से हमारी अपनी नस्लों का भी ख्याल रखना, हमारी नस्लें बेकार ना जाएं। गैरों के गैर लोग क्या हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, नहीं आते लोग, अदना से अदना कोई शख्स बता दे नहीं आते, लेकिन हमारे लोग ज़रूर जाते हैं, उस तरह का कल्चर लेने जाते हैं,
वो सारी तहजीब और तमद्दुन लेने जाते हैं, उन्हें अपनी तहजीब के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के अंदर मज़ा नहीं आ रहा है। दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है, अपने आप और रहम पाए, अपने बच्चों के ऊपर रहम पाए, अपनी नस्लों के ऊपर रहम पाए। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से रखने की तौफीक अता फरमाए। वाह।